मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट जो आपकी यूनिट थी उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किया, तो पहले एक कंपैरिजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने स्टडी किया कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसे स्टोर करते हैं, ठीक है, और हम लोग वहाँ से किस तरीके से कौन कौन से मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स ने विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है अपना खाना बनाया, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो कम्प्लीटली जो हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हिटरोट्रॉफ्स कहते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो हम उन्हें हिटरोट्रॉफ्स कि वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, दिस वन इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है? अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। जो भी बॉडी में डैमेज होता है उसे रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं इंटरनली, जो सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी छोटे छोटे वर्क होते हैं उनके लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन है उसके अंदर कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो आती हैं, कि न्यूट्रिशंस जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एनिमल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, फिर मोड ऑफ इनटेक कि वो खाना किस तरीके से ले रहा है, कैसे ले रहा है, फिर उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो उसे यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को लेके चलते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने में हमें हमारी बॉडी को कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये कंपोनेंट ऑफ फूड कहे जाते हैं। ये सभी मिल के हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड आता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है जो हम प्लांट से लेंगे जो कि ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसी तरह से प्रोटीन जो है जो हम मिल्क और मीट से ऑब्टेन करते हैं। फैट जो है वो ऑयल कंपोनेंट्स हैं, घी, बटर है, इनसे हम ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर जो है दिस वन इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है, ठीक है। ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं जो हम प्लांट्स से लेते हैं। अब जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसमें ये एज इट इज़ कंज्यूम नहीं किए जाते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से उसे कंज्यूम किया जा रहा है, बॉडी कैसे उसे यूटिलाइज कर रही है। दिस वन इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया, कार्बोहाइड्रेट आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, कॉम्प्लेक्स किसका सब्सटेंस, ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। काफ़ी सारी यूनिट हैं ग्लूकोज की जिससे मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें बॉडी लास्ट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के अंदर चेंज कर लेता है। तो बॉडी एज इट इज़ इनको कंज्यूम नहीं करती। अब जो हम यहाँ पे ये कंपोनेंट्स देखते हैं, इन कंपोनेंट्स को डिफरेंट फूड आइटम्स से ऑब्टेन किया जाता है और उन्हें कुछ केमिकल्स की मदद से जो कि हमारी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं उनसे इन्हें ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। एक सिंपल सी रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे देखें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस तरीके से चेन में बंधे हुए हैं। तो बॉडी जब इन्हें लेती है, प्लांट से लेती है या फिर एनिमल फूड से लेती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। उन्हें हम
इस केमिकल की मदद से जिसे हम एंजाइम कहते हैं, इन्हें हम इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी जो है इन्हें एब्जॉर्ब बड़ी आसानी से कर लेती है और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा डाइजेशन, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में और सबका अपना अलग अलग तरीका है कि वो किस तरीके से खाने को लेते हैं। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में बी है एंड हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। बी आप लोगों ने देखी होगी कि वो किस तरीके से फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती है। जो नेक्टर फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है उसको अपनी बॉडी में प्रेजेंट ग्लैंड से हनी में चेंज करता है और फिर उसे अपने हनीकॉम्ब के अंदर स्टोर करता है। तो ये अलग तरीका है। इसी तरीके से हमिंग बर्ड जो है सेल्स से फ्लावर्स में जो सैप प्रेजेंट होता है उसको सक करता है, वही उसका फूड है। विद द हेल्प ऑफ बीक जो है उसे सकिंग की जाती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे इन्फेंट्स ऑफ एनिमल है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स के हैं या अदर हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म आप यहाँ इंक्लूड कर रहे हो वो अपने पेरेंट्स से अपनी मदर से जो है मिल्क सक करते हैं, वहाँ से वो फूड ऑब्टेन करते हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट जो आता है स्नेक है। स्नेक देखा है आपने कि किस तरीके से वो फ्रॉग को अदर जो आपके ऑर्गेनिज्म है स्मॉल ऑर्गेनिज्म उन्हें पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेता है और धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आती है स्टारफिश। स्टारफिश जो है उसका अपना एक अलग ही मोड है। स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर्स में कि इसके फाइव जो है इस तरीके से आर्म्स होती हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो कि वाटर के अंदर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नीचे की तरफ थ्रू करती है और वाटर में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे वो अपने अंदर ले लेती है और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ वाटर जो है इधर पूरी बॉडी में मूव करता है और उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया जाता है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट वेज हैं खाना लेने के और अलग अलग तरीके से वो डाइजेस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से फूड को लेता है और कैसे उसकी बॉडी जो है उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।